नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के शपथ के बाद अब जल्द खत्म होगा कैबिनेट का भी, मोहन कैबिनेट का भी सस्पेंस। 2 से 3 दिन में कैबिनेट विस्तार संभव है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि दिल्ली मंत्रिमंडल की सूची भेज दी गई है और अब जल्द नामों पर मुहर लग सकती है। हालांकि किस तर्ज पर यह डिसाइड होगा कि आखिर किसके नाम पर मुहर लगनी है, ये देखने वाली बात होगी कि क्या वही गुजरात फॉर्मूला जिस तरह से बीजेपी ने अपनाया था, वो ही फॉर्मूला गुजरात फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी अपनाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अब जल्द इंतजार खत्म होने जा रहा है, सस्पेंस खत्म होने जा रहा है और जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है मध्य प्रदेश में। तो गुजरात फॉर्मूला लागू होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। पर चौंकाने वाला ये फैसला जरूर हो सकता है। कोई जल्दबाजी इस वक्त नहीं की जा रही है बीजेपी में। मंथन लगातार चल रहा है, चर्चा लगातार चल रही है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द इस पर फैसला अब आ सकता है। जो कैबिनेट का सस्पेंस बना हुआ है, कैबिनेट पर सस्पेंस बना हुआ है, वो जल्द खत्म हो सकता है। दिग्गजों को भी इसमें जगह दी जा सकती है। दिग्गजों में कैलाश विजयवर्गीय शामिल हैं, प्रहलाद पटेल शामिल हैं, इन्हें बड़े पद भी मिल सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, नई कैबिनेट जातियों के आधार पर हम माने कि इसका विस्तार होगा, जाति की बात करें, क्षेत्र का संतुलन बनाने की बात करें, इन्हीं आधार पर तय किया जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार, इसी पर होगा ये हम माने। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर। देखिए, 2024 में लोकसभा के चुनाव और लोकसभा चुनाव के पहले अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखें तो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा वो जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को साधने का होगा। इसके साथ ही कई दिग्गज जो है वो चुनाव जीत कर आए, तो ऐसे में उनकी भूमिका क्या होगी इस बात को भी लेकर तमाम तरह के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री थे, उनका इस्तीफा करा के अब वो एक विधायक के तौर पर काम कर रहे हैं, उनकी अब मंत्रिमंडल में भूमिका क्या होगी। कैलाश विजयवर्गीय एक बड़ा चेहरा है, उनकी भूमिका क्या होगी, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चाहे राकेश सिंह जो जबलपुर से जीत कर आए, रीति पाठक जीत कर आई, तो तमाम ये जो बड़े नाम है इनकी भूमिका क्या होगी, इसको लेकर तमाम तरह के कयास जो है वो इन दिनों मध्य प्रदेश के गलियारों में तैर रहे हैं। चूंकि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो ऐसे में काफी हद तक ये संभावनाएं जताई जा रही है कि ये लोग जो है वो अपने अपने इलाके के छत्रप माने जाते हैं और ऐसे में इन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह देकर कहीं ना कहीं उस इलाके को साधने का प्रयास किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से चाहे बिंद की बात हो, महाकौशल की बात हो या फिर मालवांचल की बात हो, यहाँ पर बीजेपी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया और इन लोगों को उतारा इसी उद्देश्य के साथ गया था कि उस इलाके में बेहतर परफॉर्मेंस करें। अब ये लोग अपने अपने इलाके में बीजेपी को बहुमत दिलाकर लाए, बड़ी जीत दिलाकर लाए, तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि इनको मंत्रिमंडल में एक बड़ा मंत्रालय देकर इनको पुरस्कृत किया सकता है। लेकिन उसके उलट अगर हम देखें कि जिस तरीके से बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में सीएम और डिप्टी सीएम के जो फैसले लिए हैं वो बेहद चौंकाने वाले रहे, तो ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कई दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जो क्या माने शैलेंद्र जी, मंत्रिमंडल का विस्तार तो किया जाएगा, पर हम यहां पर क्या माने, क्या गुजरात मॉडल पर फैसला ले सकती है? क्योंकि अगर इस मॉडल पर बीजेपी मध्य प्रदेश में फैसला लेती है तो नए चेहरों को जगह मिलेगी। अगर नए चेहरों को जगह मिलती है और अगर नए चेहरों को जगह नहीं मिलती है, फॉर्मूला नहीं अपनाया जाता है, तो क्या जो दिग्गजों को जिम्मेदारी दी जाएगी तो क्या जूनियर के अंडर वो सीनियर काम कर पाएंगे? कितना आसान, कितना मुश्किल होगा? बिल्कुल। सवाल वही है कि मोहन यादव चूंकि तीसरे बार के विधायक है और अगर दूसरे जिन नेताओं के मैंने बात की, चाहे राकेश सिंह हो, रीति पाठक हालांकि दूसरी बार के सांसद है, इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय हो, ये सब जो प्रहलाद पटेल है, ये बड़े चेहरे हैं, मध्य प्रदेश के फ्रंटलाइन लीडरशिप पर कहा जा सकता है। और ऐसे में यदि क्या ये लोग इनके अंडर में काम करना पसंद करेंगे या फिर इनको अलग भूमिका में कुछ दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, तो बहुत हद तक ये भी संभव है कि इन लोगों को वापस से कुछ लोगों को लोकसभा भी लड़ाया जा सके। लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया गुजरात फॉर्मूला, उसको लेकर इसलिए अनुमान ज्यादा लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का पदों का जो चयन हुआ है वो एकदम चौंकाने वाला रहा है, तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि मंत्रिमंडल में अधिकांश चेहरे जो नए हो। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि जो पहला मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो छोटा मंत्रिमंडल होगा, यानी 15-17 मंत्री जो है वो शपथ लेंगे। हालांकि अगर कैपेसिटी की बात की जाए, जिस हिसाब से सीटें जीती है उस हिसाब से लगभग 30 से 32 मंत्री जो है वो बनाए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि पहले छोटा मंत्रालय बनता है और उसके बाद फिर जिस तरह की
बातें सामने निकल कर आती है क्षेत्रीय संगठन क्षेत्रीय ता को साधने के लिए या जातिवाद को साधने के लिए, उस हिसाब से फिर मंत्रिमंडल का आगे विस्तार किया जाए। तो अभी ये माना जा रहा है कि 15 से 17 मंत्री जो शपथ लेंगे उसमें से कुछ पुराने चेहरे होंगे। यहाँ पर भी शैलेंद्र यही माने कि यहाँ पर भी जल्दबाजी बीजेपी नहीं करना चाहती है, पहले कुछ मंत्रियों के नाम सामने आएंगे, वहां पर शायद रिएक्शंस हम कहें कि देखे जाएंगे, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए शैलेंद्र। चलिए बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, यहां पर भी मंत्रियों की शपथ जल्दी होगी और ऐसा एक कयास लगाए जा रहे हैं कि कल शपथ हो सकती है, 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सहायक कैबिनेट के मंत्रियों का शपथ ग्रहण कल हो सकता है, राज्यपाल के लौटते ही शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि कल छत्तीसगढ़ में जल्द मंत्रियों के नाम सामने आ सकते हैं, किसे कौन से विभाग मिलेंगे ये जल्द क्लियर हो जाएगा। 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कल मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। इंतजार रहेगा कल का, क्योंकि इंतजार लगातार किया जा रहा है कि आखिर कब कैबिनेट विस्तार होगा, और ऐसे कयास अभी लगाए जा रहे हैं कि कल हो सकता है शपथ ग्रहण, 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। और यहां पर भी बीजेपी चौंका सकती है, ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आखिर किस तरह से देखें, कयास लगाए जा रहे हैं कि कल मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लगभग 10 मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, आखिर कौन कौन से प्रमुख नाम आगे चल रहे हैं रेस में, इनको मंत्री बनाया जा सकता है और स्पेशल विभाग दिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी संगठन लगातार काम कर रहा है। इसमें लगातार वो संगठन चर्चा इस बात पे कर रहा है कि आखिर किस तरीके से साधा जाए और किस तरीके से जातिगत समीकरण को साधते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, क्योंकि चुनौती कहीं ना कहीं है। बीजेपी कांग्रेस के बाद अब सत्ता में वापसी हुई है, ऐसे में किसी को नाराज नहीं करना चाहती। सीधे फोकस है हर संभागवार जिलेवार सभी वर्ग को, सभी जातियों को प्राथमिकता मंत्रिमंडल में दिया जाए। इस हिसाब से कहीं ना कहीं नए पुराने दोनों चेहरों को सामंजस्य बिठाते हुए मंत्रिमंडल में लाना चाहती है। अभी जो नाम जो सामने आ रहे हैं वो उसमें ओपी चौधरी का नाम है जो मंत्रिमंडल में आ सकते हैं, इसके अलावा जो नाम है अजय चंद्राकर का, धर्मलाल कौशिक का नाम कहीं ना कहीं आ रहा है, और भी पुराने नेता जो हैं वो लाइन में, पुन्नूलाल मोहले जैसे नाम आ रहे हैं, तो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। लता उसेंडी का नाम बस्तर से सामने आ रहा है, क्योंकि बड़ी जीत हुई है बस्तर में, कहीं ना कहीं जो बढ़त भाजपा ने बहुत आगे लाया है, तो कहीं ना कहीं वहां से एक दो मंत्री कम से कम वहां से हो सकते हैं। इसी तरीके से दुर्ग संभाग को साधा जा सकता है, बिलासपुर संभाग को साधा जा सकता है। अभी तक के जो संगठन ने नाम सीधे तौर पे सामने नहीं आया, इस पर भी जल्द फैसला होगा और जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 10 मंत्री जो है सीधे मंत्रिमंडल में आएंगे और वो शपथ लेंगे। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी को साझा करने के लिए। और बात करते हैं महादेव ऐप की, और इस मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। अभिनेता और फिटनेस स्टार साहिल खान को समन भेजा गया है, मुंबई पुलिस की एसआईटी ने यह समन भेजा है, पूछताछ के लिए बुलाया भी है, आज सुबह 10:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप में लगातार जो है कार्रवाई जारी है, और इसी बीच जो है अभिनेता और फिटनेस स्टार साहिल खान को समन जारी किया गया है, मुंबई पुलिस की एसआईटी ने समन भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया भी है। दरअसल आज सुबह 10:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, बड़ा एक्शन महादेव सट्टा ऐप मामले में, अभिनेता खान साहिल खान को समन भेजा गया है। ये मामला जो है मुंबई के माटुंगा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, 30 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, इसमें साहिल खान का भी नाम दर्ज था। मामला जो है मुंबई पुलिस से क्राइम ब्रांच को सौंपा गया, एसआईटी बनाएगी मामले की जांच के लिए, और एसआईटी ने सबसे पहले इस मामले में साहिल खान को जो है समन किया गया है। आज सवेरे 10:30 से 11 के बीच साहिल खान को क्राइम ब्रांच की टीम ने बुलाया पूछताछ के लिए, बशर्ते देखना ये होगा कि क्या साहिल खान आज पूछताछ के लिए अधिकारियों के सामने हाजिर होते हैं, क्योंकि जानकारी जो मिली थी पिछले दिनों वो दुबई में
थे किसी कार्यक्रम को लेकर के, अब वो भारत लौटे हैं कि नहीं अभी तक इस बात की स्पष्टीकरण जो है साहिल खान या उनकी टीम की तरफ से नहीं आ पाई है। लेकिन जिस तरह से माटुंगा, मुंबई के माटुंगा पुलिस स्टेशन में 30 लोगों के खिलाफ खिलाड़ी ऐप के जरिए सट्टा लगाने का जो आरोप है मुंबई पुलिस ने दर्ज किया था, 15,000 करोड़ का ये घोटाला मुंबई पुलिस की तरफ से बताया जा रहा था। इस मामले को लेकर के साहिल खान को अब जो है समन किया गया और बुलाया गया पूछताछ के लिए। देखना ये होगा कि क्या आज साहिल खान मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने पेश होंगे। वाकई क्योंकि बीते दिनों भी कई फिल्मी सितारों को समन भेजा जा चुका है और बुलाया गया है, पर कई बार हमने ये भी देखा है कि वो लोग नहीं पहुंच पाए। हालांकि देखने वाली बात होगी आज पहुंचते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए प्रशांत। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नरसिंहपुर की, जहां पर युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। युवती के साथ आरोपी चल रहा था और अचानक से गोली मारकर भागता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, ये तस्वीर आपके सामने। जबलपुर में युवती जो है नौकरी करती थी, अमरावती एक्सप्रेस से गोटेगांव अपने घर लौटी थी युवती। 20 साल की युवती बताई जा रही थी। आरोपी की शिनाख्त डीके पटेल के रूप में होना बताई जा रही है और पुराने प्रेम संबंध का भी शक जताया जा रहा है। ये पूरा घटनाक्रम जो है सिंधी कॉलोनी शीतल धर्मशाला के पास हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने, पैरेलल युवक चलता हुआ युवती के साथ नजर आ रहा है और एकदम से युवती पर हमला कर देता है, गोली चला देता है और उसकी हत्या कर देता है। हाँ, यहाँ गोटेगांव थाना अंतर्गत एक युवती की मौत की जानकारी मिली थी, जिसके जाके देखने पर मर्डर टाइप घटना लग रही थी, जिसके लिए आरोपी लगभग ज्ञात हो गए थे। उसकी तलाश पता सजी जा रही है, प्रयास कर रहे हैं। वजह अभी खुल के सामने नहीं आई, पर संभव तो प्रेम संबंध लेके कुछ चल रहा है सर। तो ये नरसिंहपुर की तस्वीरें हैं जहां पर युवती की गोली मार करके हत्या कर ली गई। हालांकि अभी शुरुआती जांच में ये कहा जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का कोई मामला होगा जिस वजह से युवक ने ये कदम उठाया। फिलहाल सभी पहलुओं पर पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से जो एक साथ चलता हुआ युवती के ये युवक नजर आ रहा है कुछ ही दूरी पर और एकदम से युवती पर हमला कर देता है, गोली चला देता है और ये पूरी वारदात जो है वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाती है। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल तो कर ही रही है। ये जो आरोपी है इसका नाम डीके पटेल बताया जा रहा है। पुराने प्रेम संबंध का भी शक फिलहाल शुरुआती जांच में जताया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आशीष जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, हैरान करने वाली घटना, आदमी एकदम पास से चलता है और एकदम से जो है हत्या कर देता है, गोली चला देता है। आखिर शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आ पा रहा है, क्या संबंध था दोनों का? जी रितु, ये मामला जो है ये बड़ा ही चौंकाने वाला मामला है। रात में 10 बजे जब युवती गोटेगांव श्रीधाम रेलवे स्टेशन पर उतरती है, उसके बाद वह घर की ओर जाती है। सामने थाना है और थाने से महज 100-150-200 मीटर ये घटना स्थल है, तो कैसे अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं ये समझा सकता है। बहरहाल इस मामले को लेकर अभी युवती का शव जो है पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में है, उसके बाद ये तय हो पाएगा कि कितना गहरा आघात उसके सिर में है। लेकिन ये बड़ी बात है कि साथ में आरोपी चल रहा है, पैरेलल चल रहा है और उसके बाद जाके इतना जबरदस्त चोट की गई है कि सीधे युवती की मौत हुई है, सिर में गोली मारी गई है। और इस सारे मामले को लेकर रात से पुलिस कप्तान, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं गोटेगांव में तैनात रहे हैं। जो चर्चा भी है कि आरोपी जो डीके पटेल बताया जा रहा है उसे पकड़ लिया गया, उससे पूछताछ चल रही है। लेकिन पुलिस से जो हमारी बात हुई है, पुलिस का साफ कहना है कि अभी भी तलाश जारी है। तो ये सारे तमाम पहलू हैं। रात में जब हमने इस मामले में SDOP से बात की थी तो SDOP का साफ कहना था कि पूरे मामले को लेकर हम लोग लगे हुए हैं और जिस तरह से आरोपी होगा जल्द गिरफ्त में होगा। उन्होंने प्रेम प्रसंग का भी इस मामले में कहीं ना कहीं जिक्र किया है। तो एक तरफा प्रेम था या प्रेम प्रसंग का ये मामला था, कुछ चर्चाएं ये भी हैं कि कई 8-10 साल पुराना प्रेम था और उसके बाद पिछले 1 महीने से कुछ उठापटक चल रही थी, खींचातानी चल रही थी। तो ये सारे मामलों से परत उठनी बाकी है, लेकिन ये समझा सकता है कि किस तरह से आरोपी जो है या अपराधी जो है बेखौफ हैं। स्वाभाविक रूप से ये समझा सकता है कि जो कट्टा होगा या जो गुस्से गोली चलाई गई होगी वो भी अवैध ही होगा। तो इस तरह से अवैध हथियार लेकर चलना और सरेराय गोली मार देना कहीं ना कहीं बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर है। ठीक,
बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए आशीष। और अब आगे बढ़ते हैं, बात ग्वालियर की कर लेते हैं, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। बाइक सवार दंपत्ति हादसे का शिकार हो गए हैं। पलवल मशीन में ये बाइक घुस गई। दरअसल जेसीबी की मदद से दंपत्ति को बाहर तो निकाल लिया गया है। बाइक चला रहे यूपी के जालौन निवासी पिंटू सिंह की मौत हो गई। पत्नी रीना देवी गंभीर रूप से घायल हुई है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। जालौन उत्तर प्रदेश से ग्वालियर आ रहे थे ये दंपत्ति, उसी दौरान यह हादसा हुआ। बेहट थाना के दहियापुरा गांव के पास ये हादसा होना बताया जा रहा है। तो जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया ये बताया जा रहा है। ग्वालियर में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर बाइक सवार दंपत्ति इस हादसे का शिकार हो गए। पलवल मशीन में बाइक जा घुसी और ये बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक की मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। बैतूल की हम बात कर लेते हैं, जहां पर आमला शहर के पास तेंदुआ घूम रहा है। सीसीटीवी में ये कैद भी हुआ है, तेंदुए की झलक कैद हुई है। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास तेंदुए का मूवमेंट देखा गया। बस्ती के अंदर से जाते तेंदुआ देखा और लोगों में काफी इस वजह से दहशत का माहौल भी है। वन अमला लगातार तेंदुए के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। उत्तर वन मंडल का यह पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बस्ती के अंदर से तेंदुआ जाते दिखा है, आमला शहर के पास तेंदुआ घूम रहा था और लोगों में दहशत का माहौल है। तो तेंदुए का मूवमेंट देखा गया है और कहीं ना कहीं इस वजह से लोगों में दहशत है। आमला शहर के पास का ये मामला है, जहां पर तेंदुआ घूम रहा था। सीसीटीवी में दिखाई भी दिया है तेंदुआ। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास तेंदुए का मूवमेंट हुआ, बस्ती के अंदर से तेंदुआ जाते हुए दिखा। लोगों में इसी वजह से काफी दहशत है, डर का माहौल है। वन अमला लगातार तेंदुए के मूवमेंट पर नजर भी बनाए हुए है। उत्तर वन मंडल का ये पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपके सामने, कैद हुआ है तेंदुआ, तेंदुए का मूवमेंट जो है कैद हुआ है और अब लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं कि कहीं उन पर ये तेंदुआ हमला ना कर दे। पर फिलहाल वन अमला जो है लगातार तेंदुए के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। और अब बात रतलाम की, जहां पर सड़क हादसे में तीन की मौत हो गई। दंपत्ति समेत 6 साल की बेटी की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। रतलाम खाचरौद रोड की यह घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दंपत्ति समेत 6 साल की बेटी की मौत हुई इस हादसे में। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और ये बड़ा हादसा हो गया। चालक और बेटी की मौत। रतलाम की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, जहां पर खाचरौद रोड की ये घटना है, जहां पर ये हादसा हुआ, तीन की मौत हो गई। दंपत्ति समेत 6 साल की बेटी की मौत होना बताई जा रही है और ये अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, इसी वजह से यह हादसा होना बताया जा रहा है। रतलाम की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, खाचरौद रोड की ये घटना है, जहां पर बाइक सवार दंपत्ति को पीछे से आ रही गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार दंपत्ति और एक बच्ची की मौत हो गई। फिलहाल पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। ये बड़ा हादसा खाचरौद रोड पर हुआ है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, बड़ा हादसा हो गया, 3 लोगों की इसमें मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी के लिए सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, बड़ा ही दर्दनाक हादसा, दंपत्ति और बच्ची की मौत। देखिए, एक ही परिवार की है, दंपत्ति है, उनकी बेटी है 6 साल की। और सबसे दुखद ये है कि जैसी जो कुड़ेल नदी का पुल है, उसके ऊपर ये हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि जो महिला है, फातिमा उनका नाम है, वो उछल के जो है नदी में नीचे जा गिरी, जिसे डूबकर उनकी मौत हुई। जबकि जो पिता है, उनकी बेटी है, उनकी वहां पे मौके पर ही मौत हो गई। क्योंकि आसपास के लोगों की जैसे ही उन्हें पता लगा तो तत्काल उन्होंने जो है पास के सरकारी अस्पताल में तीनों को भर्ती करवाया, लेकिन तीनों की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो चुकी थी। चूंकि नामदी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है और पुलिस अब आसपास के
सीसीटीवी खंगाल रही है कि आखिर कौन सा व्हीकल था जिससे ये हादसा हुआ है। तो नामली थाना पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी है, लेकिन जो पूरे एक परिवार की यहाँ डेथ हुई है, तो पूरा माहौल गमजदा है। रतलाम के कुरैशी मंडी की ये तीनों ही जो लोग है, ये परिवार है, रहने वाला है, और ये खाचो से जो उर्स था उसमें शामिल होकर रतलाम वापस आ रहा था। तो ये जो दर्दनाक हादसा रात में करीब 10 बजे का बताया जा रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए सुधीर। और आइए अब देख लेते हैं खबरों का 2020। जल्द होगा मोहन कैबिनेट का विस्तार, 2 से 3 दिन में नाम